हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। फ्रेंड, टुडे आई टीच यू क्लास टू इंग्लिश चैप्टर ए का पोएम ऑड्स एंड बी एंड बार्नी ग्रो। फ्रेंड, आज का लेसन एट में जो स्टोरी है उसके बाद आपको पोएम है ऑड्स एंड बी एंड बार्नी ग्रो पोएम, जिसको मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। डियर स्टूडेंट, आप भी निश्चित रूप से इस पोएम को याद करेंगे, पढ़ना सीखेंगे, क्योंकि अब आपको 8 तारीख से हाफ ईयरली एग्जाम होगा और उस एग्जाम में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। आप उसमें से जो आंसर सही होगा उसमें आप टिक लगाओगे। तो स्टूडेंट, ऐसा कब होगा? जब आप इच एंड एवरी डे जो पढ़ाई होती है, जो वीडियो तैयार किया जाता है और आप तक भेजा जाता है, आप अपने पेरेंट्स को बोल के पेरेंट्स एग्जाम का लिंक लेंगे और पेरेंट्स एग्जाम को ओपन करेंगे, तो सारे वीडियो को आप वहाँ देखेंगे और उसको पढ़ेंगे। इसे आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी अपने स्कूल के लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको जिस क्लास का पढ़ना है आप उस वीडियो को देख करके पढ़ सकते हैं। और एमसीक्यू क्वेश्चन जो सारा सब सिलेबस कंप्लीट हो गया है आप उसमें देखेंगे तो आपको सब क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। ऐसे हम आपको आज से रिवीजन कराना स्टार्ट करेंगे। आप वो अच्छे से देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन हमको एग्जाम में आ रहा है। ओके स्टूडेंट, अभी आपको मैं आपको ओड्स एंड बी एंड बार्नी ग्रो पोयम जो है उसको पढ़ के मैं आपको बताती हूँ, फिर उसके बाद आपको किस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा वो मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगी। स्टूडेंट, फर्स्ट ओड्स एंड बीन्स एंड बार्नी ग्रो पोयम को हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, हाउ मेनी ऑफ यू हैव विजिटेड ए फार्म फॉर ग्रो टू ग्रो? वन ए विल हैव ए स्टूडेंट हु हैव बीन टू ए फार्म एंड द अदर ग्रुप बी विल हैव ए स्टूडेंट हु हैव नेवर सीन ए फार्म। दो ग्रुप में बांट गया, एक स्टूडेंट को भेजा गया फार्म देखने के लिए और बी ग्रुप को क्या है, नेवर सीन ए फार्म, उसको फार्म देखने की अनुमति नहीं है, है ना। ग्रुप बी मस्ट टेल ग्रुप ए व्हाट दे थिंक दे विल सी ऑन ए फार्म। ग्रुप बी पूछता है ग्रुप ए से कि तुम क्या देखे फार्म में। ग्रुप ए विल टेल देम इफ द राइट और रॉन्ग, और ये जो है वह कहता है, सुनाता है, क्या सुनाता है, राइट सुनाता है या रॉन्ग सुनाता है। हाँ, रिमेम्बर दैट ऑल फार्म आर नॉट एलाइड। This is a traditional American song. When you recite to it, watch your action up to the word. Question: action to the word. Oats and beans and barley grow. क्या है? Oats and beans and barley grow. Do you or anybody know? Do you or anybody know how oats and bean and barley grow? How oats, कैसे? How oats and barley and beans and barley grow? First the farm plant the seed. First the farm plant the seed. यानी कि seed means बीज. Stand erect and takes his ears. Stamps his feet and claps his hands and turns around to view his land. क्या है? First the farm plants the seed, stands erect and takes his ears, stamps his feet and claps his hands and turns around to view his land. Okay, student. Next line. Then the farmer watered the ground, watched the sunset all around, stamped his feet and clapped his hand and turned around to view his land. क्या था?
Then the farmer watered the lawn, washed the sunsets all around, stamped his feet and clapped his hands and turned around to view his land. Next, the farmer hoes means क्या होता है? Take away wild plant near the seed. Using a long tool. Okay, student. Stand erect and take his aim. He stamps his foot and claps his hand and turns around to view his land. Okay, student. तो आप इस तरह से पढ़ पढ़ के पोयम को लर्न करेंगे तो आपको याद हो जाएगा. आप बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है एमसीक्यू क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाएगा उस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको अब मैं करवाऊंगी. ओके स्टूडेंट, आप अच्छे से इस पोयम को पढ़ेंगे और लर्न करेंगे. गुड बाय स्टूडेंट.